राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राज्य का पहला बजट 2022-23 पेश कर रहे हैं। राजस्थान बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राज्य में कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपने आप को किसान हितैषी बताया था। अब देखना होगा कि किसानों के लिए आ रहा यह खास बजट आखिर उनके लिए कितना राहत भरा साबित होगा। आइए जानते हैं राजस्थान सरकार ने पहली बार पेश किए गए इस कृषि बजट में क्या क्या घोषणाएं की हैं। जैविक खेती मिशन के लिए 600 करोड़ की घोषणा, सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 200 करोड़ का ऐलान, पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़कर 2500 की गई, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया गया, अगले 2 साल में 20000 किसानों को 400 करोड़ का अनुदान, राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस में खेती के लिए किसानों को 25% ज्यादा अनुदान मिलेगा, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा, 35000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा, जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ होगा, सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली अनुदान मिलेगा, 5 लाख नए किसानों को फसली कर्ज दिए जाएंगे, 20000 करोड़ के सहकारी फसली कर्ज बांटे जाएंगे, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू होगा।